हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन एक्स के बारे में। अभी हो गया, ठीक है। तो ये है प्रोटीन एक्स। तो भाई क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या इसकी वर्थ है? हम इसे परचेज तो कर लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट के लिए सोचते हैं कि ना प्रोटीन चाहिए और हम इसको परचेज कर लेते हैं, क्योंकि टीवी में काफ़ी ज़्यादा इसका ऐड वगैरह आता है, अखबारों में भी इसका ऐड आता है कि प्रोटीन एक्स ले लो, आपकी बॉडी बन जाएगी, बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो क्या इसकी वर्थ है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि वे प्रोटीन और प्रोटीन एक्स में पहली बात तो अंतर क्या है। तीन ऐसे अंतर हैं इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल करते हैं प्रोटीन एक्स को लेने के लिए और वे प्रोटीन को लेने के लिए। तो जो पहला चीज़ है वो होता है प्रोटीन एक्स के अंदर ना आपको शुगर बहुत ज़्यादा हाई मिलती है। इसके अंदर आपको एक सर्विंग मिल जाएगी, आपकी एक सर्विंग जो होती है 25 ग्राम की, और उसमें जो शुगर होती है वो होती है 7 ग्राम के आसपास। अगर 7.3 में लिखा है तो 7 ग्राम मान लो, इसमें एक सर्विंग आपको शुगर मिलती है। और दूसरी चीज़ यह है कि इसके अंदर कार्ब बहुत ज़्यादा होते हैं, एक सर्विंग में आपको मिलते हैं अराउंड 13 ग्राम कार्ब। और वहीं आप अगर वे प्रोटीन लेते हो तो उसके अंदर आपको 2 ग्राम के आसपास कार्ब मिलते हैं और जो शुगर होती है वो होती है 1 ग्राम के आसपास। तो भाई बहुत ज़्यादा है इसके अंदर कार्ब वगैरह। और तीसरी चीज़ यह है कि वे प्रोटीन जो होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है, वर्कआउट वगैरह के लिए। ये बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से अगर आप कहो तो मैं इसको कहूँगा नहीं, ये आपको बॉडी बिल्डिंग आप जिम के लिए ले रहे हो कि भाई जिम के प्रोटीन जो हमें चाहिए, जितनी आपको प्रोटीन की इनटेक चाहिए उतनी से मिल जाएगी, तो नहीं। ये बेसिकली हेल्प करता है आपकी ग्रोथ में, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेकार है भाई, एकदम वर्थ नहीं है इसकी, 550 आप खर्च कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यूजलेस, नो यूजलेस नहीं है। आपने जिम करना अभी स्टार्ट किया, एक महीना हुआ है, 2 महीने हुआ है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने जिम करना अभी स्टार्ट किया है ना, तो ना प्रोटीन एक्स लो, ना वे प्रोटीन लो, कोई भी सप्लीमेंट जितना आपको दिख रहे हैं इसमें कुछ भी मत लो, नेचुरल अपनी डाइट से निकालो, अंडे वगैरह खाओ, चिकन वगैरह खाओ, वेजिटेरियन हो तो भाई दाल हो गई, पनीर हो गया, टोफू हो गया, दूध हो गया, बहुत कुछ है। आपने अभी जिम करना स्टार्ट किया ना तो आपकी बॉडी को उतना नहीं चाहिए, आप 1-2 महीने ऐसा खींच दो, ठीक है, खींच दो नेचुरल डाइट में खींच दो, उसके बाद आप सोचो कि भाई आपको वे प्रोटीन लेना है कि प्रोटीन एक्स लेना है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि आप 2-3 महीने नेचुरल लेने के बाद आप प्रोटीन एक्स स्टार्ट कर सकते हो, एज ए बिगिनर आप इसको ले सकते हो। एज ए बिगिनर आप वे प्रोटीन लेना स्टार्ट करोगे तो पहली चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो 4-5 हज़ार रुपये का अराउंड आप एक अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाएगा, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। वहीं आप 500 रुपये डाल के प्रोटीन एक्स का यूज़ बिल्कुल कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए मैं कह सकता हूँ हाँ भाई परफेक्ट है। मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले इंडोरा मास लिया था, तो भाई मैंने सोचा था कि इंडोरा मास ले रहा हूँ अब गजब की बॉडी निकल के आएगी एकदम, मतलब मैंने किसी को बताया भी नहीं दोस्तों में कि, तो भैया सोचेंगे कि बॉडी कैसे बनी, बताऊंगा ही नहीं, इंडोरा मास लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ। ऑब्वियसली केवल आप इन पर डिपेंड हो जाओगे कि वे प्रोटीन, प्रोटीन एक्स, इंडोरा मास, टीम ऐड आते हैं कि भैया बॉडी बन जाएगी, आप एकदम से मोटे हो जाओगे, गेनिंग हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सब कुछ है खेल नेचुरल डाइट का, सब्जी, दाल, चावल, पानी, रोटी, जो भी है, पिज्ज़ा, बर्गर, ये नहीं, ठीक है, जो भी है इनसे बनती है बॉडी। इन चीज़ों से क्या है कि आपका लेवल अगर 1 है तो आपको लेवल 2 पे ले जाएगा। आपको लेवल 1 से लेवल 10 पे जाने के लिए आपको चाहिए नेचुरल डाइट। ऐसा नहीं है कि ये यूजलेस है, वे प्रोटीन यूजलेस है, प्रोटीन एक्स यूजलेस है, नहीं, बट ये आपको लेवल 1 से लेवल 2 पे लेके जाएंगे, लेवल 10 पे लेके जाना इनका काम नहीं है। तो आप प्रोटीन एक्स को बिल्कुल ले सकते हो अगर आप बिगिनर हो, तो आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आपके लिए ये यूजलेस है, ठीक है। और ये किसके लिए अच्छा है, देखो जो हमारे घर में यंग फेलोज होते हैं, हमारे मम्मी हो गई, पापा हो गए, उनके लिए बेस्ट है। अब उनको आप वे प्रोटीन तो दोगे नहीं, लेकिन प्रोटीन उनको चाहिए, ठीक है, प्रोटीन सबको चाहिए होता है, बट वे प्रोटीन उन्हें नहीं चाहिए क्योंकि वर्कआउट वगैरह वो लोग नहीं करते, हाँ करते भी हैं जिम वगैरह, योगा वगैरह, तो उनके लिए प्रोटीन एक्स ही बेस्ट है, ठीक है। तो उनके लिए प्रोटीन एक्स बेस्ट है, बच्चों के लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बच्चों के लिए अलग आते हैं, वो अलग हैं, बच्चों के लिए ये नहीं है, और प्रेगनेंसी के टाइम वुमेंस के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो वैसे आप बड़े लोगों को ये दे सकते हो, और आपने जिम करना अभी स्टार्ट किया है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। अब इसकी बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू की, जो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो जो उसमें सर्विंग है वो है 25 ग्राम की सर्विंग है, टोटल ये आता है 400 ग्राम का डब्बा होता है, 25 ग्राम की आपको एक सर्विंग पड़ती है। उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा 8.5 ग्राम इन्हें लिखा हुआ है, 9 ग्राम आप मान लो, ठीक है, 9 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हाई है, फैट कम है, बट यार बाकी चीज़ें विटामिन ए, मिनरल्स वगैरह, कैल्शियम वगैरह, आयरन वगैरह, लोहा वगैरह, स्टील वगैरह सॉरी, ठीक है, तो वो सब इसमें काफ़ी ठीक ठाक है। तो बॉडी बिल्डिंग, मसल ग्रोथ, लीन मसल बॉडी, इनके लिए ये नहीं है, ये आप बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर्स बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी ऑलरेडी किया हुआ है। ये जो है ये मैं अपनी मदर के लिए लाया था, तो उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। MRP इसकी मैंने बताई आपको 535 इसमें लिखा हुआ है, तो इसी के आसपास ही मिल जाएगा। बाकी इसका जो लिंक है परचेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके ले सकते हो, ठीक है। ये है चॉकलेट फ्लेवर, तो मैं आपको कहूँगा एक आता है लाइट वाला,
चॉकलेट मत लो, इसके और फ्लेवर भी आते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यानी भाई वनीला स्ट्रॉबेरी ये सब तो मत लेना अगर ले रहे हैं प्रोटीन एक्स। आप अगर बिगनर हो ले रहे हो तो इसका आता है प्रोटीन एक्स लाइट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोटीन एक्स लाइट, ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ऐड कर रहे हैं इसका, ये वाला ज़्यादा बेस्ट है। इसमें शुगर नहीं है, इसका कार्बोहाइड्रेट्स कम है और प्रोटीन इसमें ज़्यादा है, तो फ्लेवर नहीं है इसमें कोई, बिल्कुल रॉ है बट टेस्टी है। और एक चीज़ और, इसको कभी भी पानी के साथ मत लेना, दूध के साथ हमेशा इसको लेना है, वो भी हल्का सा गर्म दूध, ये ठंडे दूध में नहीं लेना, इसको पानी में नहीं लेना, इसमें वे प्रोटीन लेते हैं पानी में, इसको पानी में नहीं लेना। तो यार सही है, अच्छी चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम वर्थ नहीं है इसकी, कोई 550 रुपये एकदम बाम मतलब में ले रहे हैं, ठीक है बिगनर्स के लिए ठीक है। बाकी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है लीन बॉडी मास एंड गुड हेल्थ, लीन बॉडी मास तो भैया इसमें तो कार्ड तो कुछ नहीं है इसका यूज़ उसमें, बाकी आप समझदार हो अपने आप देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आप देख लेना एक बार लेने से पहले। बाकी भाई यही थी वीडियो, तो कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, मर रहे हैं लाइक के लिए कर देना लाइक, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी जिम करना स्टार्ट किया उनके साथ, जो भाई वे प्रोटीन लेने की सोच रहे हैं कि जिम स्टार्ट किया नहीं, कल जिम की फीस देकर आए हैं और आज वे प्रोटीन ऑर्डर कर दिया, सेल चल रही है मैदान की, ऑर्डर कर दो भाई वे प्रोटीन, कतई सोच रहे हैं कि एक महीने में बॉडी बन के निकल आएगी, ठीक है उन लोगों को भेजो भाई वीडियो, दिखाओ कि आपके लिए ये भी नहीं है, आपके लिए वो भी नहीं है, आप खाओ दाल चावल रोटी चिकन अंडे पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हो तो खाओ, प्रोटीन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, तो वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में बताओ अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, मतलब हेल्दी रहें, फिट रहें, प्रोटीन एक्स पीते रहें, ओके बाय बाय।